हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में समझा था, किस तरीके से उसको हमने हमने मतलब उसके मॉडर्न मॉडर्न अप्रोच से मैंने कोवेलेंट बॉन्डिंग को किस तरीके से बताया, क्या बॉन्ड लेंथ होती है, क्या बॉन्ड एनर्जी होती है, उन सब के बारे में मैंने अच्छे से डिटेल से हमने जाना। ठीक है, तो अब हम समझते बच्चों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कि मैंने आपको बताया था एक कंसेप्ट कि 100% कोवेलेंट एंड 100% आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, आर नॉट पॉसिबल। एक्चुअली आप इस बात को समझ सकते हो, आर नॉट पॉसिबल, एक्चुअली आप इस बात को समझ सकते हो कि 100% कोवेलेंट बॉन्ड और 100% आयोनिक बॉन्ड आप लोगों का पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है, आप बात को ध्यान से समझते हैं एक एक करके, तो एक एक करके इसको समझेंगे। सबसे पहले तो ये बात जान लो कि 100% आयोनिक बॉन्ड और 100% आपका कोवेलेंट बॉन्ड आपका पॉसिबल नहीं है। अब अगर बेटा यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो अगर आपके इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनेगा तो वो बोल सकते हो आप लोग 100%, लेकिन ये आपका टोटली कौन सा कंडीशन होगा बच्चों, आइडियल कंडीशन। अगर आपके इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेगा तो आप क्या बोलते हो, आप बोलोगे बच्चों अपने आप बोलोगे ये आपका 100% वो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेगा तो 100% आयोनिक नहीं, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी होगी, कुछ अमाउंट ऑफ आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी होगी। तो वो बोल सकते हैं दिस कंडीशन यहां पर बोल सकते हैं 100%, तो अबव कंडीशंस आर आइडियल कंडीशन। जो ऊपर वाले कंडीशन है वो सारे के सारे आपके आइडियल कंडीशन है, सारे के सारे आपके कौन से कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है। अब वो कैसे होता है, क्यों होता है, मैं आपको बताता हूं एक एक करके। ठीक है, तो एक एक करके हम जानेंगे कि आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आएगा और कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर कैसे आएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी बताया था बच्चों, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर कैसे आएगा, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो हम इसको समझेंगे। सबसे पहले देखो, जैसे वी विल डिटरमाइन आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड बाय टू वेज। ठीक है, एक तो हमारा होगा क्वालिटेटिव मेथड। अब क्वालिटेटिव मेथड हमारा क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना। क्वालिटेटिव मेथड में हम लोग क्या करेंगे, क्वालिटेटिव मेथड आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर बेस है। क्वालिटेटिव मेथड हमारा किसके ऊपर बेस है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर, जो आपने पीछे पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था बच्चों, अब उसको लिंक करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो क्वालिटेटिव मेथड आपका किसके ऊपर बेस है बच्चों, आपका क्वालिटेटिव मेथड यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर बेस है। This method is based on electronegativity difference। ये method आपके किसके ऊपर base करता है बच्चों, आपके electronegativity difference के ऊपर base होता है। ठीक है, यहां पर हम एक बार ideology लगा सकते हैं कि कितना आपका आयोनिक कैरेक्टर होगा, कितना आपका बॉन्ड होगा, हम बॉन्ड का इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं कि बॉन्ड आपका कैसा है, बॉन्ड में आपके 50% से ज्यादा आयोनिक बॉन्ड है या फिर 50% से कम आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, हम इस मेथड से आइडियोलॉजी लगा लेंगे, बस आइडिया लगा सकते हैं एक बार। तो ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती है बच्चों, मैंने आपका डेफिनेशन बताया था वहां पर आपके पीरियोडिक टेबल में, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा बच्चों कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवार्ड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हायर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टुवार्ड अगर बॉन्ड को मैं अट्रैक्ट करूंगा, बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन अगर आपका अट्रैक्ट होगा, वो टेंडेंसी आपकी क्या होती है बच्चों, वो टेंडेंसी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको जैसा मैंने आपको बताया था कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम यहां पर ये होता है। अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम वी कैन कैलकुलेट बाय फॉलोइंग वेज। हम कौन कौन से वे से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, समझ लेते हैं। पहला हमारा हो जाएगा बच्चों यहां पर पॉलिंग मेथड, पॉलिंग स्केल के थ्रू, जहां पर हम क्या मानते हैं बच्चों, रेस्पेक्टिव, हम किसी का रेस्पेक्ट में लेके चलते हैं, तो यहां पर रेस्पेक्टिव एलिमेंट, रेस्पेक्टिव किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, रेस्पेक्टिव एलिमेंट आपका कौन होगा, हाइड्रोजन, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कितनी एज्यूम करके चलेंगे, 2.1। तो ध्यान से समझना, हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे बच्चों, पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। एक और मैंने आपको बताया था मूलिकन स्केल, क्या बताया था, मूलिकन स्केल के बारे में भी बताया था, और मैंने बताया था आपको ऑल रेड एंड रचाओ स्केल। ठीक है, ये तीनों मैंने स्केल बताए थे, और सबसे ज्यादा हम जो यूज करेंगे पूरे की केमिस्ट्री में, हम कौन सी स्केल का यूज करेंगे बच्चों, पॉलिंग स्केल का। और पॉलिंग स्केल का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, काई ए माइनस काई बी, और यहां पर हम क्या लिखते थे बच्चों, 0.208। ठीक है, 208 अंडर रूट ऑफ डेल्टा, और डेल्टा हमारा क्या होता था बच्चों, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ अंडर रूट ऑफ, देखो यहां पर बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी 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 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस स्केल, पॉलिंग स्केल का ऐसा फॉर्मूला था। और हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सभी एलिमेंट का निकालते हैं, तो जैसा हमने देखा कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं बच्चों। और हम तो सबसे पहला जो हमारा हो गया बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आ गया, पॉइंट मैं आपको बताता हूं एक एक करके, ध्यान से समझना कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का तरीका आप लोगों को आ चुका है, आप लोगों ने फिर से उसको रिवाइज कर लो, एक बार पीरियोडिक टेबल को फिर से रिवाइज करो। अब यहां से आपको पीरियोडिक टेबल का रिवीजन होगा, बस ध्यान से समझना, पीरियोडिक टेबल को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो। ठीक है, उसकी फॉर्मूलेस एक एक बार ध्यान में रख लो कि मूलिकन के लिए क्या है, ऑलरेड रोचर स्केल के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तीनों के लिए आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो जब मैंने हाइड्रोजन को रेस्पेक्टिव माना, तो हाइड्रोजन की वैल्यू 2.1, और हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी होंगे वो सारे के सारे, जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आपका फिर यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, फिर आपका नाइट्रोजन हो गया, फिर आपका कार्बन हो गया, ये जो हाइड्रोजन 2.1 से जो ऊपर होंगे वो सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे। ठीक है, और जो इसके नीचे होंगे, जैसे मैंने लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया, तो ये सारे के सारे आपके क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अब यहां से आप समझ सकते हो कि यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा लेस
जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, जो रेंज होती है, रेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, रेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज वैल्यूज इज लाइज बिटवीन 0.7 to 4.0। सबसे हाईएस्ट की क्या होती है 4.0, और सबसे लोएस्ट कितनी होती है 0.7, इसके बीच लाई करती है। इसका 4 होता है मतलब जो आपका हाइड्रोजन से ऊपर होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, आपकी वो सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये वैल्यूज तो मैंने आपको कहीं हद तक लिखा रखी है बच्चों, आप लोग जान भी सकते हो। सल्फर का 2.6 इस तरीके से, और यहाँ पर इसका 1, और यहाँ पर इसका मैंने लिखा था 0.9। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इस तरीके से मैंने आपको लिखवाया था पीरियोडिक टेबल में। नाउ अब हम समझते हैं बच्चों एक एक करके ध्यान से, कि ये तो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा दिया। अब नाउ अब देखो अब क्या होता है एक्चुअली में ध्यान से समझना कि यहां पर जो आयोनिक कैरेक्टर का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, डेवलपमेंट 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 इन डेवलपमेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर का आपका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा उसको हम समझते हैं ध्यान से। जैसे मैं कोई एलिमेंट लाता हूं, जैसे मैंने लिया ए और बी, अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ होंगे बच्चों, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ होंगे। इनिशियली हम बोलते हैं बच्चों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। अगर माना कि बी आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ए आपका क्या है बच्चों, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या होगा कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों, इसके बी के पास अट्रैक्ट करेगा। ये क्या होगा बच्चों, बॉन्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब वो होगा बच्चों, अभी बस इतना जान लो, इलेक्ट्रॉन विच इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड दैट इज कॉल्ड व्हाट, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बॉन्ड बनाने में काम आएंगे इलेक्ट्रॉन उसको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ए और बी, ये आपका डेल्टा माइनस, ये आपका डेल्टा प्लस। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहां पर डेल्टा का मतलब क्या होता है, पार्शियल। अब देखो यहां पर पार्शियल चार्ज आपका डेवलप हो गया, यहां पर आपका पार्शियल चार्ज डेवलप हो गया, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, आयोनिक कैरेक्टर आपका डेवलप हो गया। आयोनिक कैरेक्टर विल बी डेवलप्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे बच्चों। ठीक है, इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोल देंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से, क्या क्योंकि ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपका इस तरफ मूव करेगा, तो इस पर पार्शियल माइनस, इस पर पार्शियल प्लस। अब मैंने आपको बताया था कि आयनों के बीच आपका आयोनिक बॉन्ड बनता है, तो यहां पर भी तो आपके पार्शियली आयन डेवलप हो गए। ये दोनों के दोनों आपके क्या है बच्चों, ये दोनों के दोनों आपके क्या होंगे बच्चों, पार्शियल आयन। तो यहां पर भी आपके पार्शियल आयन ही डेवलप हो गए ना, जब यहां पर अगर आपके पार्शियल आयन डेवलप हो गए तो यहां पर क्या बन गया बच्चों, आयोनिक कैरेक्टर आपका डेवलप हो गया कोवेलेंट बॉन्ड में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पार्शियल आयन जब डेवलप होगा तो इस तरीके से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर डेवलप होगा। अब आप सिंपली देख सकते हो कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पर आप लोग समझ सकते हो, वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि क्या समझ सकते हैं हम, कि जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना आपका पार्शियल आयन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब जैसा मान लिया कि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, तो
तो जो आपका बोन का इलेक्ट्रॉन है वो आपका पार्शियल आयन कम क्रिएट करेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस हाई होगा, ठीक है, अगर आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस हाई होगा और ये आपका ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपने पास मिलाएगा और पार्शियल चार्ज का आपका इंक्रीमेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऐसा भी बोल सकते हैं। देखो कैसे बोलेंगे समझना ध्यान से। जैसे मेरे पास मान लिया कि ए बी, अब देखो यहां पर मैंने ए के साथ मैंने बी एटम लगाया और ए के साथ मैंने सी एटम लगाया, ठीक है, ए के साथ मैंने क्या एटम लगाया बच्चों, सी एटम, और मैंने आपको एज्यूम करने के लिए बोला कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज सो हाई देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी, तो क्या होगा बच्चों, एक्चुअली में जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो मिड में था, अब देखो बी क्या करेगा, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, अपने पास ज्यादा बुलाएगा, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका पार्शियल माइनस ज्यादा आ जाएगा और यहां पर पार्शियल प्लस। अब देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, टेंडेंसी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा एज कंपेयर टू दिस, लेकिन यहां पर भी पार्शियल माइनस आएगा, ठीक है, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस आएगा, लेकिन मैं यहाँ बोल सकता हूं कि यहां पर जो पार्शियल माइनस जो क्रिएट होगा वो इसके पार्शियल माइनस से कम होगा, बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो हम यहाँ की क्या बोलेंगे, यहां देखो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहां पर ए बी के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ए बी के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो भी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए सी, तो जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा पार्शियल चार्ज क्रिएट होगा, और पार्शियल चार्ज ही क्रिएट होने की वजह से आपका कौन सा कैरेक्टर डेवलप हुआ, आयोनिक कैरेक्टर। तो जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर आपका डेवलप होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं बच्चों यहां पर कि देखो किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया था गिल्स का, ठीक है, गिल्स का मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, तो आप लोग देख सकते हो कि बच्चों किस तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगा आयोनिक कैरेक्टर और यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर। आप देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों, अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काई ए और काई बी लेस देन और इक्वल टू 0.8, लेस देन और इक्वल टू 0.8 होगा तो वो बॉन्ड आपका कोवेलेंट कैरेक्टर का होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर का बोलेंगे, लेकिन अगर 0.8 काई ए माइनस काई बी और यहां पर 1.8, ठीक है, 1.8 के बीच होगा तो वो बॉन्ड आपका पोलर कोवेलेंट नेचर का होगा, पोलर कोवेलेंट नेचर का होगा, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड और यहां पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका ज्यादा ही हाई हो गया तो 1.8, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर नेचर को बता सकते हैं बच्चों इसके, ठीक है, इसके नेचर को हम यहाँ पर इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने यहाँ पर बता दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से समझना कि सर आपने तो बोला कि अगर, चलो ठीक है, अगर एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो जाए तो वो क्या वो कंपाउंड 100% कोवेलेंट होगा, ठीक है, इफ यहां पर क्वेश्चन कि ए यहां पर इफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी जीरो देन 100% कोवेलेंट कैरेक्टर एज्यूम मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर जीरो होगा तो 100% कोवेलेंट कैरेक्टर हम एज्यूम कर सकते हैं, वी कैन एज्यूम,
100% वी रुको 2 मिनट, इफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंस इक्वल टू 0 देन वी कैन एज्यूम एज वी रुको 2 मिनट, देन कैन वी एज्यूम एज 100% कोवेलेंट कैरेक्टर, 100% कोवेलेंट कैरेक्टर। ये आपका था क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन था। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है, अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो क्या आप 100% कोवेलेंट कैरेक्टर एज्यूम कर सकते हो? तो इसका आंसर है बच्चों आपका नो, नहीं होगा। फिर भी आप लोग बोलोगे कि देखो यहां पर जैसे एज एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन लिया, अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर H2 एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ की ओर पुल होगा, कहाँ की ओर पुश होगा और कहाँ की ओर जाएगा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो आप लोग क्या बोलोगे सिंपली, तो सर यहां पर तो कोई भी डायपोल क्रिएट नहीं होगा, नो एनी पार्शियल चार्ज विल डेवलप। अब किसी भी टाइप का आपका पार्शियल चार्ज डेवलप नहीं होगा, आप ऐसा बोलोगे जो कि आपका क्या होगा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा। क्या होगा कि यहां पर क्या होगा डस्ट, यहां पर इसमें क्या होगा कि डिस्टोशन डिस्टोशन विल बी हैपन बाय सराउंडिंग मॉलिक्यूल। अब देखो यहां पर डिस्टोशन आपके किसकी वजह से होगा, सराउंडिंग मॉलिक्यूल की वजह से, और सराउंडिंग मॉलिक्यूल की वजह से ही आपका क्या होगा पार्शियल चार्ज डेवलप होगा। कैसे देखो, जैसे एच ए, एक एच ए, अब इसके पास में एक और एच ए, एक और एच ए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो एंड ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन अभी आप समझो ठीक है। ऐसे एच एच, अब देखो ये आपका पार्शियल नेगेटिव है, ये माना कि आपका पार्शियल नेगेटिव है, ये आपका पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा इसको क्या कर देगा पार्शियल प्लस, और ये अपने आप पार्शियल नेगेटिव, तभी तो अट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से क्रिएट होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअली में इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बस अभी आप टर्म को समझो, इंड्यूस डाइपोल बोलेंगे क्योंकि यहां पर भी चार्ज क्रिएट हुआ, यहां पर भी चार्ज क्रिएट हुआ, तो इस तरीके से आपका सराउंडिंग मॉलिक्यूल उसके अंदर कोई ना कोई आपका पार्शियल चार्ज क्रिएट कर देगा, सराउंडिंग मॉलिक्यूल आपका कोई ना कोई पार्शियल चार्ज क्रिएट करेगा, और पार्शियल चार्ज क्रिएट करने की वजह से कोई भी मॉलिक्यूल आपका 100% कोवेलेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इस बात को ध्यान से समझना कि कोई भी मॉलिक्यूल आपका 100% कोवेलेंट नहीं होगा। ये मैं वापस से आऊंगा इस पॉइंट पर, अभी मैंने इसलिए बताया ताकि आप लिंक कर सको, ठीक है, लिंक करना है चैप्टर बस, ठीक है। तो यहां पर आपका पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएगा, चाहे यहां पर आपका मिनिमम ही अमाउंट में क्यों ना पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाए, लेकिन पार्शियल चार्ज आपका डेवलप होगा। ठीक है, हाँ बोल सकते हैं कि बच्चों यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा लेकिन 100% नहीं होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा आयोनिक कैरेक्टर से, लेकिन 100% नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे बच्चों। तो यहां पर ध्यान देना, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर को बताता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड में आपके आयोनिक कैरेक्टर को बताता है। इस तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड आपका कैसा होगा, किसमें आपके कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे और किसमें आपके कोवेलेंट कैरेक्टर कम होंगे। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों एक और पॉइंट पर कि यहां पर क्या हुआ कि नोट डाल के लिख सकते हैं बच्चों, और वो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पहले ही ऑलरेडी बता दिया है, तो ताकि आपको इजी लगे नोट डाल के लिख सकते हो बच्चों कि वी कैन फाइंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ एबी मॉलिक्यूल परफेक्टली, परफेक्टली हम परफेक्टली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉलोइंग फॉर्मूला, देखो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज 16 इंटू काई ए माइनस काई बी
ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को देख सकते हैं कि परफेक्टली हम यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर परफेक्टली क्या निकाल सकते हैं बच्चों, आयोनिक के कैरेक्टर। इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पर परफेक्टली आयोनिक कैरेक्टर को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये फॉर्मूले का यूज मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे एज एग्जाम्पल सपोज दैट कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ HCl। HCl में आपका H का होता है 2.1, Cl का होता है 3.0। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर बच्चों, जल्दी से बताओ यहाँ पर किस तरीके से आप लोग फाइंड आउट करोगे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर आप लोग परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर हम यहाँ पर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। देखो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर 16 × 3 − 2.1 + 3.5 3 − 2.1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तब आपकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तब आपकी वैल्यू कितनी आएगी वो थोड़ा सा ध्यान से समझो, आप एक बार खुद से करो। तो यहां पर आ जाएगा आपका 14.4, और यहां पर आपका कितना आएगा बच्चों, देखो ध्यान से, यहां पर आ जाएगा 2.835। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 17 point something कुछ हो जाएगा, 17.235। तो ये क्या आ गया बच्चों, 235। तो ये क्या आ गया बच्चों, आपका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। तो देख सकते हैं आप HCl में भी आपका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर है। ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, कोवलेंट बॉन्ड है। हाँ पार्टनर, यहाँ पर शेयरिंग हुआ है, 100% शेयरिंग हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, आयोनिक कैरेक्टर तो है ना। तो इस वजह से यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हुआ है। अब देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर मैंने आपको बोला कि यहां पर अरेंज इन, एक और एग्जांपल, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो। HCl है, HBr है, HIa और HFe। तो आप लोग क्या देखोगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उसके अंदर पार्शियल चार्ज सबसे ज्यादा क्रिएट होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका किस में सबसे ज्यादा है, HF में, HF के बाद HCl में, HCl के बाद HBr में, उसके बाद HI में। और जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर पार्शियल चार्ज आपका ज्यादा क्रिएट होगा, और हैंस आपका आयोनिक कैरेक्टर भी आपका उसी का ज्यादा होगा। ठीक है, और कोवलेंट कैरेक्टर उसका कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आयोनिक कैरेक्टर आपका HF में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू HI। तो ये तो कुछ सर्टेन एग्जाम्पल थे तो जिससे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ अब देखो यहां पर, अब देखो ये वाले फॉर्मूले से हम क्वांटिटेटिव अप्रोच से भी निकाल सकते हैं ये वाले फॉर्मूले से हम। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव अप्रोच। यहाँ पर हम परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का क्वांटिटेटिव निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव अप्रोच। जो इसके पहले वाला था वो क्या था, क्वालिटेटिव अप्रोच। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं बच्चों क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो ये आज वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी हम क्वांटिटेटिव अप्रोच हम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि क्वांटिटेटिव अप्रोच वाला कौन सा मेथड है। देखो तो एक मेथड आपका डायपोल मोमेंट का भी है। ठीक है, यहां पर क्वांटिटेटिव अप्रोच देखो, क्वांटिटेटिव अप्रोच की क्या होगा, बाय यूजिंग डिफरेंस बिटवीन डायपोल मोमेंट के बीच का डिफरेंस निकाल के, बाय नहीं, इन दिस मेथड वी विल यूज यूज डायपोल मोमेंट।
अब यहां पर आप लोगों के लिए एक नया टर्म मिला है, क्या? डाइपोल मोमेंट। अब देखो डाइपोल मोमेंट आपका होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। व्हाट इज अ डाइपोल मोमेंट? तो यहां मैं बताता हूं बच्चों आपको, डाइपोल मोमेंट एक्चुअली में होता क्या है पहले हम समझते हैं, उसके बाद में आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट इसको डिनोट करेंगे हम किससे? म्यू से, ठीक है? अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मेरे पास एच एफ मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज है, ये एच एफ मॉलिक्यूल मेरे पास यहां पर इरेगुलर मैनर से अरेंज है। देखो कौन से मैनर से? इरेगुलर मैनर से मेरे पास यहां पर एच एफ मॉलिक्यूल अरेंज है। कोई इसका रेगुलर मैनर नहीं है, कोई इधर, यहां पर हाइड्रो, यहां पर हाइड्रोजन इधर, फ्लोरिन इधर, ये क्या है? यहां पर एच एफ मॉलिक्यूल इन, एच एफ मॉलिक्यूल इन इरेगुलर मैनर, इरेगुलर मैनर, यहां पर इरेगुलर मैनर से आपका एच एफ मॉलिक्यूल अरेंज है। लेकिन जैसे ही मैं आफ्टर आफ्टर अप्लाइंग, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, और या फिर आप लोग बोल सकते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? एच एफ मॉलिक्यूल आपका एक सर्टेन अरेंजमेंट, सर्टेन उसका अरेंजमेंट आपका फिक्स हो, या आपका देखो रेगुलर मैनर में आपका अरेंज हो गया है, या आपके कौन से मैनर में अरेंज हो चुका है बच्चों? रेगुलर मैनर में, तो देख सकते हो आप लोग। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे बच्चों? डाइपोल मोमेंट, ठीक है? इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? डाइपोल मोमेंट। तो ध्यान से समझना बच्चों, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, ठीक है? तो ये आपका होता है बच्चों, क्या क्या किया पहले? एसी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया, बिना अप्लाई किए हमको मॉलिक्यूल ऐसे इरेगुलर मैनर में मिला। लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, दोनों में से कोई भी फील्ड अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? एच एफ मॉलिक्यूल विल अरेंज, विल अरेंज इन रेगुलर मैनर, रेगुलर मैनर में आपका अरेंज हो जाएगा, ठीक है? अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो आपका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो एक एक करके ध्यान से समझना। यहां पर मैं आपको बताता हूँ डाइपोल मोमेंट एक्चुअली में आपका होता क्या है, ठीक है? तो डाइपोल मोमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब, वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इसका 100% कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। तो इसका क्या होगा बच्चों? कोई ना कोई सर्टेन फिक्स डायरेक्शन होगा, ठीक है? उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? चिंता वाली कोई बात नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देखो, एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड विद एनी अपोजिट, अपोजिट चार्ज सिस्टम, एनी अपोजिट चार्ज सिस्टम, मतलब ये एक आपका आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा जो कि अपोजिट चार्ज सिस्टम, मतलब ये जो सिस्टम होगा यहाँ पर प्लस है या माइनस है, दैट इज कॉल्ड अपोजिट चार्ज सिस्टम। इसको हम क्या बोलेंगे? अपोजिट चार्ज सिस्टम, ठीक है? विच टेल्स अबाउट द एबिलिटी ऑफ सिस्टम, विच टेल्स, विच टेल्स अबाउट द एबिलिटी ऑफ सिस्टम, एबिलिटी ऑफ सिस्टम, एबिलिटी ऑफ सिस्टम अलाइन इटसेल्फ अलोंग, अलाइन इटसेल्फ, अलाइन इटसेल्फ अलोंग, अलोंग द मैग्नेट, द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अब समझ सकते हो बच्चों, यहां पर ये एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है जो कि अपोजिट चार्ज सिस्टम में अप्लाई होता है। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करूंगा, ठीक है? एसोसिएटेड विद एनी चार्ज सिस्टम, व्हिच टेल्स द एबिलिटी,
इस सिस्टम की एबिलिटी को बताएगा कि ये आपका किस तरीके से अरेंज होगा। सिस्टम की एबिलिटी को जो बताएगा वो आपका डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। सिस्टम को मतलब भी देखो, यहां पर इरेगुलर मैनर में और रेगुलर मैनर में कन्वर्ट हो गया, तो किसके आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में यूज किया, तो यहाँ पर दो टाइप के चार्ज सिस्टम आए जो कि आपस में क्या है, अपोजिट है। तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाने को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट आपका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और ध्यान रखना, ये डायपोल मोमेंट आपको अक्सर आपको खास तौर से फिजिक्स में 12th में फर्स्ट चैप्टर में आपका पूरा डेरिवेशन आएगा, तो ध्यान से समझना। डायपोल मोमेंट आपके विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और विदाउट मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मोमेंट नहीं कर सकते। डायपोल मोमेंट आपका कब प्रेजेंट होगा, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा। आज ही से इस बात को ध्यान रख लो, फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आते हैं बच्चों, फिजिक्स में भी आते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट को ध्यान रखना, जब भी अगर आपके फिजिक्स में सर पूछे कि डायपोल मोमेंट क्या है, तो आप सिंपल बोल सकते हो कि अपोजिट चार्ज सिस्टम विच टेल्स अबाउट द एबिलिटी ऑफ सिस्टम अलाइन इटसेल्फ अलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन दोनों जगह सिमिलर है, डेफिनेशन दोनों जगह आपकी सिमिलर है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखो अच्छे से। अब देखते हैं बच्चों यहां पर कि ये तो मैंने आपको बता दिया, अब एक्चुअली में आपका डायपोल मोमेंट क्या होगा, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, और भी अच्छे से हम पढ़ते हैं। तो डायपोल मोमेंट आपका एक्चुअली में यहां पर देखो, म्यू नॉट ये वेक्टर है, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट क्या होगा, क्यू इंटू डी। अब क्या होता है बच्चों, एक्चुअली में देखो, ये आपका क्यू चार्ज है, ये आपका क्यू प्लस है, ये आपका क्यू माइनस है, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों, दो अपोजिट चार्ज सिस्टम है, दो अपोजिट चार्ज सिस्टम है। अपोजिट चार्ज सिस्टम के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, डी डिस्टेंस है। अपोजिट चार्ज सिस्टम के बीच में आपका डिस्टेंस कितना है बच्चों, डी डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां पर देखो, दोनों के बीच में आपका डी डिस्टेंस है, तो डी क्या बता रहा है बच्चों, डिस्टेंस बता रहा है। डी क्या बता रहा है बच्चों, आपका डिस्टेंस बता रहा है। अब इसका जो डायरेक्शन होता है वो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में किस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा होगा बच्चों, यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव फेज होगा और यहाँ पर आपका नेगेटिव फेज होगा। तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू इलेक्ट्रिक नेगेटिव डायरेक्शन में होता है बच्चों, ध्यान रखना। डायरेक्शन होता है ना बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आपसे डायरेक्शन पूछा जाएगा। तो इसका डायरेक्शन आपका क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायरेक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्शन ऑफ म्यू इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन की ओर मूव करेगा, ठीक है। आपको मैंने बता दिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन इसके साथ एसोसिएटेड होगा, बात क्लियर है। अब देखो, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का आपका यूनिट क्या होगा बच्चों, डायपोल मोमेंट का आपका यूनिट क्या होगा देखते हैं। यहां पर देखते हैं बच्चों, डायपोल मोमेंट का आपका यूनिट क्या होगा। सबसे पहले सीजीएस में, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। इस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, सीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट होगा वो क्यू को हम क्या लिखते हैं, ईएसयू, और डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे बच्चों, सेंटीमीटर। तो ये इसका होगा, ठीक है। और ध्यान से समझना, वन ईएसयू सेंटीमीटर इज कॉल्ड क्या, डीबाई। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डीबाई, ठीक है। और एक और बात बताता हूं यहां पर कि सीजीएस, अगर मैं बात करूं एमकेएस नहीं, यहां पर एसआई सिस्टम लिखो, ठीक है। अभी एसआई सिस्टम लिखो, एसआई सिस्टम में क्या होगा बच्चों, वो यहां पर होगा कूलोम इंटू मीटर, ठीक है। कूलोम इंटू मीटर एसआई सिस्टम में आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कूलोम इंटू मीटर, ठीक है। अब यहां पर बात समझना बच्चों, यहां पर आप लोगों से पूछा जाएगा, अक्सर पूछ लेता है बच्चों न्यूमेरिकल में कि आपको एसयू सेंटीमीटर में दिया है और आंसर आपको डिग्री में दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज आपके हो जाओगे। तो देखेंगे कैसे करेंगे बच्चों, म्यू देखो, क्यू का चार्ज आपका कोई भी रहे, यहां पर आपको कोई भी वैल्यू रहे, जब भी अगर आपका एसयू सिस्टम होगा तो यहां पर 10^-10 आ जाएगा, ठीक है।
और डिस्टेंस के लिए आप लोग यहाँ पर सेंटीमीटर सिंपल बोल सकते हो। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने डिस्टेंस माना हुआ है एंगस्ट्रॉम में, ये आपको अगर देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर चलो ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। डिस्टेंस अगर आपको एंगस्ट्रॉम में दिया हो, ठीक है, चार्ज आपको किस में दिया हो, चार्ज आपको 2q करके दिया हो, तो आप लोग इसको देखो, इसको समझना आप अभी दिक्कत है थोड़ा सा, तो आप ध्यान रखना 10^-18 ESU सेंटीमीटर, ये मैं न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगा, 10^-18 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 dB, ठीक है। और अब यहां पर 1 dB के इक्वल होगा, और यहां पर कूलॉम इनटू सेंटीमीटर, अब देखो 1 dB में कितने कूलॉम इनटू सेंटीमीटर, कितने कूलॉम इनटू मीटर होंगे बच्चों, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 1 के अंदर आपका होगा यहां पर 3.33 × 10^10^ यहां पर 30 सेंटीमीटर, 30 कूलॉम इनटू मीटर, ये आपका होगा। इस रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान रखो, मैं आपको कैलकुलेट भी कराऊंगा, सारा रिलेशन कैलकुलेट कराऊंगा, लेकिन बाय न्यूमेरिकल, क्योंकि कुछ वैल्यू लूंगा और वैल्यू के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा इस चीज को, ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो इस बात को ध्यान रखो कि अगर 10^-18 ESU सेंटीमीटर होगा तो इसका मतलब 1 dB, और अगर इतना होगा तो ये आपका कूलॉम, ठीक है। अब सिंपल मैं बोल दूं, अगर मैंने डिस्टेंस को, ध्यान से समझना, अगर मैंने डिस्टेंस को यहां पर, अब देखो डिस्टेंस को मैंने एंगस्ट्रॉम लिया है, और यहां पर जो चार्ज का जो ऑर्डर होता है ESU में वो कितना होता है, 10^-10, और डिस्टेंस को एंगस्ट्रॉम को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो -8, टोटल कितना हो गया -18, ठीक है। और यहां पर अगर मैं कूलम में कन्वर्ट करूं तो ये 10^-19, और मीटर मीटर की कितना होगा बच्चों, 10^10, और ये आपका कौन से ऑर्डर में आएगा बच्चों, 20 के ऑर्डर में आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 30, 10^30, तो यहाँ पर 10^30 इस वजह से आया। इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा बच्चों, एक बार ध्यान से देख लेना, मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा डायपोल मोमेंट क्या होता है वो मैंने आपको बताया, डायपोल मोमेंट क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अब देखो डायपोल मोमेंट में एक्चुअली आपका किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको लिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पर डायपोल मोमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब आपको एंगल लो भी लगेंगे, ठीक है, एंगल्स वो वाले लो भी लगेंगे। अगर मैंने इस तरफ और इस तरफ, ये मैंने μ1 है, ये मेरा μ2 है, तो आपका ऐसा भी लगेगा कि अंडर रूट ऑफ μ1² + μ2² + 2μ1μ2 cos θ, ये भी लगेगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या एज्यूम करने को मिला बच्चों, देख सकते हो आप लोग, जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाऊंगा, अगर मैंने थीटा 0 डिग्री रख दिया, थीटा 0 डिग्री पर कोस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी होती है, कोस थीटा की वैल्यू आपकी होती है बच्चों यहां पर 1, थीटा अगर 0 डिग्री रखा तो कोस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी होगी बच्चों, यहां पर 1, तो यहां पर आपका म्यू नेट निकलेगा, और म्यू नेट की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो यहां पर डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट आपका ऐसा हो जाएगा बच्चों। इसके बारे में मैं अभी फिर से आएगा बच्चों, ये बॉन्डिंग में ही, आप लोग घबराए नहीं, बस घबराइए नहीं, थोड़ा सा अभी अटपटा लगेगा, बाद में धीरे धीरे आपको हैबिट, इस चीज की हैबिट आपको हो जाएगी। अगर मैं 90 डिग्री पे लूंगा तो 90 डिग्री पे कोस थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और म्यू नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये वाला फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां पर μ1² + μ2², ठीक है। अगर मैंने थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लिया तो कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, देन म्यू नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, जो देख सकते हो आप लोग, म्यू नेट इक्वल टू μ1² - μ2² - μ2 cos 2μ1 μ2, -1 कर दिया कोस थीटा की जगह। अब आप देख सकते हो कि यहां पर एनालिसिस करो, एंगल 0 डिग्री है, ठीक है, एंगल बढ़ रहा है, तो ये पहले ये वाला वैल्यू हटा, फिर इसमें माइनस हुआ, इसका मतलब एंगल बढ़ेगा तो आपका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। बस इसके लिए मैंने आपको बताया था, एंगल इंक्रीज, डायपोल मोमेंट विल बी व्हाट, डिक्रीज। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, काफी इजी कंसेप्ट है। नाउ अब हम चलते बच्चों एक और कंसेप्ट पे। देखो ये तो मैंने आपको सिंपल बताया, जो कि मैं आगे फिर से आपको बताने वाला हूँ, फिर से आपको बताने वाला हूँ, इसके लिए घबराइए नहीं, ठीक है। अब
यहां पर है कि बात की आयोनिक कैरेक्टर हम किस तरीके से निकालेंगे। हम यहां पर हम आयोनिक कैरेक्टर किस तरीके से निकालेंगे, तो डायपोल मोमेंट के रेस्पेक्ट में आयोनिक कैरेक्टर का आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर का आपका फॉर्मूला होता है। देखो क्या होता है, आयोनिक कैरेक्टर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट, ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट, ठीक है, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट, सॉरी थियोरिटिकली थियोरिटिकल डायपोल मोमेंट, ठीक है, डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर आयोनिक कैरेक्टर। अब देखो ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट क्या होता है, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट ये होगा जो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे, बच्चों ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल भी बोल देते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है, अगर आप एक दो बार दिमाग लगाओगे तो आप लोगों को पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको डायपोल मोमेंट के बारे में बताया कि डायपोल मोमेंट में किस तरीके से वेरिएशन होगा, ये सारे वैल्यू, ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, थोड़े वैल्यू को आप लोग ध्यान रखो, थ्योरेटिकल वैल्यू, ये वाला वैल्यू ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल या फिर म्यू एक्सपेरिमेंटल, इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको बुक में, देख सकते हो बच्चों, म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय म्यू थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय म्यू थियोरिटिकल मल्टीप्लाई बाय 100, ये सारे फॉर्मूले हैं, तो आप देख सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करेंगे और देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। अभी हमने क्या बात किया, आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, थोड़ा सा ध्यान से समझना। और डायपोल मोमेंट का अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे डायपोल मोमेंट के एप्लीकेशन आएंगे, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बताना है कि ये मॉलिक्यूल आपका पोलर होगा या ये मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर होगा, ये आपको बताने के लिए भी आपको किसका यूज करना पड़ेगा, डायपोल मोमेंट का। तो फिलहाल तो आप लोग इतना ध्यान रखो, क्योंकि आपको क्या याद करना है, आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बता रहा हूं, तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करने के बाद हम नाउ नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और फिर आगे हम समझेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड मतलब फजान रूल, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आएगा, सो थैंक यू सो मच।